इंडोनेशिया के पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन के बाद एफएमसीजी कंपनियों की आय और मार्जिन पर दबाव बढ़ता नजर आ सकता है। ये कंपनियां पहले ही डिमांड कम होने के कारण दबाव में चल रही हैं। ऐसे में पाम ऑयल पर इंडोनेशिया का बैन का ऐलान कंपनियों पर और बोझ बढ़ा सकता है। भारत की कंज्यूमर कंपनियां पहले ही ऊंची महंगाई दर और उत्पादन लागत में उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही हैं। ऐसे में इंडोनेशिया की तरफ से पाम ऑयल पर बैन का ऐलान इन पर और दबाव बना सकता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, नेस्ले इंडिया जैसी कंपनियों के लिए इंडोनेशिया का यह ऐलान नकारात्मक असर लेकर आएगा। अभी तक यह साफ नहीं है कि इंडोनेशिया का यह बैन कब तक लागू रहेगा, लेकिन इतना साफ है कि इसकी वजह से नियर टर्म उत्पादन लागत में बढ़त देखने को मिलेगी। पाम ऑयल और दूसरे खाद्य तेलों की सप्लाई कम होने और इनकी कीमतें बढ़ने से मांग और मार्जिन दोनों मोर्चे पर हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बता दें कि इंडोनेशिया सरकार ने 28 अप्रैल से पाम ऑयल और इसके कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया खुद भी खाने के तेलों की महंगाई और कमी की समस्या से जूझ रहा है, जिसके चलते वहां भी पाम ऑयल के दाम में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। चीन और भारत इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल आयात करने वाले देश हैं। इंडोनेशिया पाम ऑयल की पूरी दुनिया में होने वाली सप्लाई में आधे से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखता है। पाम ऑयल का उपयोग खाने के तेल के तौर पर तो किया ही जाता है, इसके साथ ही फूड प्रोसेसिंग, कॉस्मेटिक्स और बायोफ्यूल में भी इसकी बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। इस साल रूस द्वारा यूक्रेन पर किए गए आक्रमण के बाद से ग्लोबल मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण ब्लैक सी इलाके से आने वाले सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई पर असर पड़ा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं ने अपना रुझान पाम ऑयल की तरफ बढ़ा दिया है। इसकी वजह से पाम ऑयल में जबरदस्त तेजी आई है। बता दें कि ब्लैक सी रीजन से ही दुनिया के 76% सनफ्लावर ऑयल का एक्सपोर्ट होता है। जानकार का कहना है कि इंडोनेशिया से आने वाले पाम ऑयल पर किसी रुकावट की वजह से भारत को हर महीने 4 मिलियन टन पाम ऑयल का नुकसान होगा। जानकारों का यह भी कहना है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, तब से भारत में सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई भी करीब 1 लाख टन प्रति महीने घटी है। यह स्थिति भारत में खाद्य तेल बाजार का पूरा गणित बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।